हेलो फ्रेंड्स, लेट्स सॉल्व दिस सम। इसमें भी आगे की तरह पूरे इक्वेशन को एक्स वाई से डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन y, दिस विल बी 6 अपॉन x इज इक्वल टू 5। नाउ ये हो जाएगा 6 अपॉन y 2 अपॉन x इज इक्वल टू 5, राइट? सो नाउ आई विल सपोज 1 अपॉन x इज इक्वल टू a एंड 1 अपॉन y इज इक्वल टू b, सो दिस विल बी 2b प्लस 6a इज इक्वल टू 5 एंड दिस विल बी 6b प्लस 2a इज इक्वल टू 5, सॉरी माइनस 2a इज इक्वल टू 5। नाउ ये इक्वेशन 1 2 मुझे मिल गए, राइट? सो नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल सॉल्व इट बाय एलिमिनेशन मेथड। सो 6a प्लस 2b इज इक्वल टू 5, दैट्स माई इक्वेशन नंबर 1। नाउ दिस इज माइनस 2a, ये मैंने रीअरेंज किया, ए वाला पहले बी वाला बाद में, बिकॉज दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्मेट, देयर इज नो रूल फॉर दिस, बट दिस लुक्स बेटर। सो नाउ माइनस 2a प्लस 6b इज इक्वल टू 5। नाउ ये इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। सो इक्वेशन 1 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी, इक्वेशन 1 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस 2 से एंड 2 को 6 से। सो वी विल मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय माइनस 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 6, राइट? सो नाउ माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 इंटू 6 दैट विल बी माइनस 12a, माइनस 2 इंटू प्लस 2 दैट्स माइनस 4b एंड माइनस 2 इंटू 5 दैट्स माइनस 10। नाउ हियर माइनस 12a, हियर 6 इज अ 36b, हियर 30, राइट? नाउ वी विल पुट द अपोजिट साइन, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, हियर माइनस, बिकॉज इधर कुछ साइन नहीं है तो प्लस, सो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू माइनस। नाउ 12 12 कैंसिल, सो ये 36, ये 4, सो माइनस माइनस प्लस, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक हियर, इसका साइन अभी प्लस नहीं है, दिस इज माइनस, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का, सो माइनस 36 माइनस 4 वुड बी माइनस 40b एंड हियर माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का, माइनस 30 माइनस 10 इज माइनस 40। नाउ माइनस 40 ऐसे आइड जाएगा तो डिवाइड में, सो दैट्स 1, बी इज इक्वल टू 1। नाउ we will put this solution in equation number 1, that 6a plus 2b is equal to 5. Now usme hum b ki jagah likh denge 1, so 2 ones are 2, 2 equal to ki wo side chala jayega, to minus, so 6a is equal to 5 minus 2, 6a is equal to 3, a ke sath jo 6 hai wo multiply mein ye side jayega to divide mein, so that will be a is equal to 1 upon 2. Now here we have got both the answers. Now b इज इक्वल टू 1 मिला है, और सबसे पहले हमने 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू बी लिया था, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, सो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1, दैट्स 1। नाउ 1 अपॉन एक्स, या नाउ 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए, ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या है ए की वैल्यू, तो ए की जो वैल्यू है वो है 1 अपॉन 2, नाउ 2 ये साइड, एक्स ये साइड, सो एक्स इज इक्वल टू 2, सो मुझे सॉल्यूशन मिल गया है, दैट्स 2 1 2 1। हियर जो सम है उसमें पहली नजर से देखे तो ऐसा लग रहा है कि पूरे इक्वेशन को एक्स वाई से डिवाइड करना पड़ेगा, बट ये ऐसा नहीं है। कैसे वो मैं बता रहा हूं, देखो इसमें हम क्या करेंगे, तो अगर मैं ऐसा बोलू कि 10 प्लस 12 अपॉन 2, तो उसका सॉल्यूशन कुछ ऐसा आएगा, 22 अपॉन 2 इज इक्वल टू 11। उसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, 10 अपॉन 2 प्लस 12 अपॉन 2, 10 अपॉन 2 करेंगे तो 5, 12 अपॉन 2 करेंगे तो 6, एंड वो भी मुझे आंसर मिलेगा 11। यानी पूरी लंबी लाइन की है और नीचे डिनोमिनेटर 2 है, उसका मतलब ये हुआ कि ये 10 का भी डिनोमिनेटर है, 12 का भी डिनोमिनेटर है, दोनों का डिनोमिनेटर 2 है, उसका मतलब ये हुआ। तो इधर 4x प्लस 7y अपॉन एक्स वाई लिखा है, उसका मतलब ये हुआ कि 4x का डिनोमिनेटर भी एक्स वाई है और 7y का डिनोमिनेटर भी एक्स वाई है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसल, वाई वाई कैंसल, सो 4 अपॉन y, दैट्स 4 अपॉन y, 7 अपॉन x इज इक्वल टू 16। नाउ हम क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे जो आगे कर रहे थे ऐसा, राइट? ओके, सेकंड इक्वेशन में भी ऐसे कन्वर्ट करना है, राइट? दोनों के नीचे एक्स वाई है ऐसा मान लेना है, ये एक्स एक्स चला गया तो 10 अपॉन y, ये वाई वाई चला गया तो 3 अपॉन x इज इक्वल टू 11। नाउ हमें सपोज कर लेना है 1 अपॉन x इज a एंड 1 अपॉन y इज b, सो हियर फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा 4b, 7a इज इक्वल टू 16, सेकंड इक्वेशन हो जाएगा, ओके इसको हमने पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ए वाला पहले बी वाला बाद में, 16 अभी सेकंड इक्वेशन में हम सेम चीज करेंगे, राइट? तो दैट विल बी 3a प्लस 10b, मैंने डायरेक्ट कर दिया, दिस इज 3a, 10b इज इक्वल टू 11, राइट? 3a प्लस 10b, राइट? तो ये जो सेकंड इक्वेशन उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया। नाउ वी विल सॉल्व इट बाय द एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड आई थिंक यू ऑल्सो लाइक, इसे मुझे बहुत पसंद है। इफ यू लाइक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यू कैन गो विद दैट एज वेल। सी हियर आई विल राइट 3, हियर
आई विल राइट 7. सो नाउ इक्वेशन 1 को 3 से और इक्वेशन 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे. 21a 3 का 7 के साथ, 3 का 4 के साथ 12b, 16 3 48. नाउ हियर 21a देन 70b देन 77 देन साइन चेंज. अभी कैंसिल क्या हो जाएगा, 21a 21a कैंसिल. हियर माइनस 70 प्लस 12, माइनस 70 प्लस 12 क्या हो जाएगा 58, दैट्स माइनस 58b. एंड हियर 29, 77 में से 48 गया तो 29. नाउ ये 58 ये साइड जाएगा तो डिवाइड में 29 टूज आर 52 एंड माइनस माइनस भी कैंसिल. सो बी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2. नाउ ये वैल्यू को हम इधर ले आएंगे, राइट 7a प्लस 4b में सब्सटीट्यूट कर देंगे, b की जगह लिख देंगे 1 अपॉन 2, 2 टू जा 4, दैट्स 2. सो 2 ये साइड चला जाएगा तो माइनस 7a इज इक्वल टू 14, a इज इक्वल टू 14 अपॉन 7, a इज इक्वल टू 2. सो मेरा सॉल्यूशन जो है वो है 2 1 अपॉन 2. नाउ आप ये सोच रहे हो कि मैंने वो प्रोसेस नहीं की 1 अपॉन x वाले, राइट तो 1 अपॉन x इज इक्वल टू ले लेंगे a, राइट तो हम उसकी जगह वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, 1 अपॉन x इज इक्वल टू 2. देन आई विल ड्रॉ अ लाइन, देन ये x ये साइड चला जाएगा तो 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू x. सो दिस शुड नॉट बी लाइक दिस, x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2. सो सॉल्यूशन हम इधर लिख रहा हूं मैं, सॉल्यूशन x y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 कॉमा टू ब्रैकेट या कॉमा दूसरा अभी क्या 1 अपॉन y इज इक्वल टू b, उसमें b की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, दैट्स 1 अपॉन 2, 2 ये साइड y ये साइड, सो 2 इज इक्वल टू y, y इज इक्वल टू 2. So here I will write 2 bracket over. So this is what is my solution, right? So okay, this is something very very interesting that इसमें हमें क्या suppose करना है. तो देखो मैं पहला जो है इसकी बात कर रहा हूं, पहला जो है उसमें ऐसा लिख सकता हूं 4 into 1 upon x minus 1, is this correct? Yeah. Now ये पूरे के बराबर हम ले लेंगे a, तो ये हो जाएगा 4a, इसके इज इक्वल टू a सपोज करेंगे. तो अभी तक जैसे हम 1 अपॉन x इज इक्वल टू a लेते थे, उसी तरह अभी 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू a लेना है. सो 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू a, 1 अपॉन y माइनस 1 इज इक्वल टू b. सो नाउ व्हाट विल हैपन, 4a प्लस 5b इज इक्वल टू 2, 8a प्लस 15b इज इक्वल टू 3. नाउ वी विल सॉल्व इट बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड. सो इक्वेशन 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय, सॉरी ब्रैकेट यहां पे रखना है, या बाय 8 एंड हियर बाय 4. सो लेट्स सॉल्व दिस सम. 8 से मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, 32a 40b 16. देन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 32a 60b इज इक्वल टू 12. देन साइन चेंज. नाउ इसमें क्या कैंसिल हो जाएगा, 32 है 32 है कैंसिल. नाउ 60 में से 40 गया तो 20, बड़े नंबर का साइन, माइनस 20b, ये 16 में से 12 गया तो 4, बड़े नंबर का साइन, प्लस 4, राइट 20 ये साइड आएगा तो डिवाइड में 4 5 जा 20, सो 1 अपॉन माइनस 5. डिनोमिनेटर कभी भी माइनस साइन कैरी नहीं करता है, तो दिस कैन बी रिटर्न एज माइनस 1 अपॉन 5, या तो सेंटर में भी लिख सकते हैं लाइक दिस, ऐसे भी लिख सकते हो, बट डिनोमिनेटर कभी सेंटर में नहीं है परफेक्ट, लाइक दिस मैं ऐसे बोल रहा था, लाइक दिस राइट, ऐसे हम जनरली लिखते हैं. तो ये माइनस यहां पे बीच में लिखेंगे, इट डजंट मीन कि ये 1 5 दोनों के साथ है, इट इज विद 1 ओनली, राइट. ओके सो नाउ दिस इज डन, नाउ लेट्स गो अहेड. सो 1 ओके लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ a फर्स्ट. सो इक्वेशन 1 में वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, इक्वेशन 1 में b की जगह हम लिख देंगे माइनस 1 अपॉन 5, 5 5 कैंसिल, सो दैट्स 4a प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 2, प्लस माइनस माइनस, सो 4a माइनस 1 इज इक्वल टू 2, माइनस 1 वो साइड चला जाएगा तो प्लस 1, 4a इज इक्वल टू 3 एंड a इज इक्वल टू 3 अपॉन 4. नाउ 1 अपॉन x माइनस 1 बराबर हमने ये लिया था, a की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहे 3 अपॉन 4, राइट right? अभी ये क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा, 4 ये साइड ले लेंगे एंड ये x माइनस 1 इधर आ जाएगा. नाउ ये x माइनस 1 है उस वो दोनों के साथ, यानी ये 3 है वो x के साथ भी है, 1 के साथ भी है, सो दिस विल बी 3x माइनस 3. नाउ 4 इज इक्वल टू 4, ये जो माइनस 3 साइड है तो प्लस 3, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 3x, 7 इज इक्वल टू 3x. नाउ ये 3 ए साइड आएगा तो डिवाइड में, सो x की वैल्यू मुझे मिल गई 7 अपॉन 3. सेम वे 1 अपॉन y माइनस 1 बराबर b लिया था, तो अभी b की वैल्यू लिखेंगे माइनस 1 अपॉन 5, देन क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 5 ये साइड, ये y माइनस 1 ये साइड, ये माइनस 1 दोनों के साथ है, सो माइनस y प्लस 1, देन प्लस 1 ये साइड आएगा तो माइनस, this will be 4 is equal to minus y, y is equal to minus 4.
y इज इक्वल टू माइनस वन, बिकॉज वेरिएबल भी कभी माइनस साइन कैरी नहीं करता है. तो इसका सॉल्यूशन एक्स वाई क्या हो गया, सॉल्यूशन सॉल्यूशन एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 7/3 कॉमा -4. आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस सम एज वेल. नेक्स्ट पेज ऊपर सेम ऐसा ही सम आएगा, सो यू शुड ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ. उसका सॉल्यूशन भी मैं दे रहा हूं. इसमें क्या करना है, इसमें सपोज 1/√x इज इक्वल टू a लेना है एंड 1/√y इज इक्वल टू b लेना है. तो इफ यू कैन डू इट्स गुड, इफ यू कैन डू आई विल अपलोड दिस सॉल्यूशन इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.